daily show with Munir Memon. Assalamualaikum. आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। कराची समेत पाकिस्तान भर में हालिया बारिशों के बाद काफी सारी तबाहकारियां देखने में आ रही। तबाहकारियों की वजह से ये भी देखा जा रहा है कि जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के दीगर शहरों में, खासतौर पर सिंध के इलाकों में काफी ज्यादा तबाहली का शिकार था, अब वो मजीद खराब होता हुआ नजर आ रहा है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की जिम्मेदारी आखिर किसके ऊपर आयद होती है, ये एक बड़ा सवाल है। लोकल बॉडीज की बात करें तो लोकल बॉडीज का निजाम असर नौ नजर ही नहीं आता। लोकल बॉडीज के हवाले से तमाम तर सियासी जमातें अपने मंशूर में तस्करा तो जरूर करती है, लेकिन इस निजाम को बहाल करने, इस निजाम को उसकी सही रूह तक अंजाम पिलाने के लिए कोई तैयार नहीं। लोकल बॉडीज का निजाम ना होने की वजह से आज कराची की हर सड़क, हर शाहरा एक खंडर का मंजर पेश करती है। और यकीन जाने कि कराची में इस वक्त गाड़ी चलाना इतना ही मुश्किल हो चुका कि शायद किसी पथरीले पहाड़ों पर गाड़ियां चलाई जा रही हों। आवाम परेशान है बारिशों के बाद। मेन शाहराओं पे तो पानी निकल जाता है, लेकिन नक्काशी आप का जो सिलसिला वो छोटी गलियों मोहल्लों में नहीं हो पाता। इसके पीछे क्या वजूहत है और ये हाल कब बेहतर होता हुआ नजर आएगा, आज प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं जनाब अशफाक मेमन साहब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और साथ में ज्वाइन करें जनाब राजा राशिद साहब जो जनरल सेक्रेटरी है लॉयर्स फोरम के, इनका ताल्लुक PSP से है। साथ में हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे जमात इस्लामी से जनाब नजीब अयूबी साहब। तो मैं जरा आपसे शुरू करता हूँ अशफाक साहब, पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक गवर्नमेंट में, सालों साल से गवर्नमेंट में, जरा ये तो बताएं ना कि ये जो सूरत हाल है कब ठीक होती हुई नजर आ रही है। तो सुना है बजट भी पास हो गए हैं और बड़ी मकदार में पैसा भी आ रहा है, लेकिन सूरत हाल तब्दील नहीं हो रही। सबसे पहले तो मुनीर भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। जहाँ तक मुनीर भाई बारिशों के ऊपर जो है वो आप देखा जाए तो पिछले 45 दिन से जो बारिशें हुई हैं, अच्छा अगर देखा जाए तो जो क्लाइमेट, जो दुनिया का जो पूरा चेंज हुआ है, तो अब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज हुआ। कराची में खासतौर पे जो सिंध में जो बारिशें अभी जो हुई हैं, इससे पहले कभी इतनी बारिशें नहीं हुई है। ये तारीख में, मतलब कोई कहते हैं कि 20 साल पहले इतनी बारिशें हुई थी, उसके बाद जाके कहीं कराची में अब जाके इतनी बारिशें हुई और इतना पानी हुआ। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद भी देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी, मतलब हमारी जो तंजीमी सतह पर, फिर हमारे मिनिस्टर्स हो गए, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मुर्तज़ा वाब साहब हो गए, हमारे मिनिस्टर लोकल बॉडी नासिर हुसैन शाह, हमारे फिर पार्टी की तरफ से CM साहब ने कमेटी बनाई हर ज़िले की सतह पे, जिसमें उन्होंने हर मिनिस्टर को उस कमेटी में रखा। कोरंगी में तैमूर तालपुर साहब थे, फिर आपका वेस्ट में वकार मेदी साहब हमारे स्पेशल असिस्टेंट भी हैं, सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं, फिर आपका मुर्तज़ा वाब साहब है, मुकेश चावला साहब, सईद शर्जी ने कमेटी बना से मसाइल हल तो नहीं हो रहे। देखिए मैं आपको बताऊँ बाद मसाइल की। देखिए इस वक्त एक तो इतनी बारिशें पहले कभी हुई नहीं, जब ज्यादा जब बारिश हुई तो फिर ये ज्यादा बारिश होती, ज्यादा पानी आता है। देखिए इस ओवर बारिश हुई, देखिए जब बैक हो गया ना, अब देखिए नाले सारे साफ थे, उन नालों के ऊपर भी सिंध गवर्नमेंट ने काम किया, अब गुजर नाला है, मुख्तलिफ जगह जो हुई काम, और माशाल्लाह ऐसा भी है कि रोड पे नजर आए, मतलब अगर बारिश हुई तो हम लोग के घरों में जाके सो नहीं गए। पीपल्स पार्टी का जितनी भी कमेटीज थी, या हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे, यहाँ तक इवन डिपार्टमेंट DMC हो गई, KMC हो गई, सब रोड के ऊपर थे, पानी को निकालने की हर एक ने कोशिश की। और पानी निकला नहीं? नहीं पानी निकला सर, बिल्कुल निकला। अगर अभी आपका जहाँ पे ये ऑफिस है, यहाँ भी तो मैं पहुंचा, मुझे तो कहीं बारिश पानी नजर नहीं आया। मैं मस्जिद से लेफ्ट भी हुआ, चोरंगी से घूमते हुए आया, या इवन के गलियों से आया, पानी नजर नहीं आया। देखिए पानी जब बारिश हो जाती है, तो जब बारिश रुकती है तो उसके बाद पानी निकाला जाता है। यहाँ के इमरजेंसी रेन इमरजेंसी लगाई गई, और डिपार्टमेंट के लोगों ने, मतलब अपनी जो है टाइमिंग, तीन मतलब दिन में 6-6 घंटे, 12-12 घंटे की जो टीमें बनाई गई, उन्होंने काम किया। और शाहरा फैसल है, मेन शाहरा है, कुछ गलियां रह गई होंगी जहाँ पे जो है अगर सफाई ना हो पाई हो, पानी ना निकला हो, लेकिन ये सिर्फ यहाँ का नहीं, DHA का भी यही हाल था, यही आपका जो है कारसास का, हर जगह पानी जमा हुआ। मतलब आप देखें कि मतलब पानी तो ओवर बारे हो, अब तो यहाँ तक अगर हम क्लाइमेट देखें तो आज तो लंदन में भी गर्मी है, लंदन में कहते हैं कि 40 ऊपर गर्मी चल रही है। बिल्कुल सही, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज हुआ है, अब ये चीजें हमारे सामने चेंज हो रहा है, हमारी स्ट्रैटेजी चेंज क्यों नहीं हो रही, हमारी प्लानिंग चेंज क्यों नहीं हो रही। आज भी वही छोटी सी लाइंस डली होती है सेवरेज की, वो बम उस तरफ नहीं शिफ्ट होता है कि बड़े सेवरेज निजाम डाले जाएं, जो रोड्स हैं, सड़कें हैं, उनके ऊपर एक टिल्ट हो जाके वो जो सेवरेज का जो निजाम है वो बेहतर तौर पर एक्टिव नजर आए, सड़कें जो तबाह होती है वो तबाही से बची जा सके। देखिए बात यह है, जहाँ तक निजाम को बेहतर करने के लिए, जिस तरह ये जो है आपका नाले हैं हमारे, देखिए हमारे सारे प्रोसेस पुराने चलते हुए आ रहे हैं, हर जगह का एक प्लान बनता है और उस प्लान के हिसाब से किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखा जाए, ये देखें कि कराची का जो भी कोई मेयर बनाए, चाहे वो जमात इस्लामी से बनाए, MQM से बनाए, ठीक है जी,
पीपल्स पार्टी से कभी कराची का मेयर नहीं बना है। पीपल्स पार्टी ने अगर 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 पीपल्स पार्टी ने कहीं काम किया तो पीपल्स पार्टी टाउन्स में अगर हम थे तो हम हमारे पास लियारी टाउन पार्टी का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बना, एडमिनिस्ट्रेटर हमारा आप बना, एक साल उनको हुए और वो एक साल से कोशिश पूरी कर रहे हैं। उन्होंने कराची के तमाम जितने भी मेन गलियां थी या मेन रोड्स थे, इवन के पार्क भी वो खुद बल्कि उन्होंने छोटी छोटी चीजों को मुर्सा वाब साहब ने खुद एक्टिव करके रखा। और हमारे देखें जब बारिश होती है, बारिश हुई ना हम भागे नहीं, एक होता ना बंदा चले गए भाई गायब हो गए। आपको पता है कि जब लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन की लास्ट शेड्यूल की डेट जब आगे हुई थी तो ये इल्जाम आ गया कि जी वो जो है ना पीपल्स पार्टी चाहती नहीं है कि इलेक्शन हो लोकल गवर्नमेंट, लेकिन जब बारिश हुई तो ये सब जितनी भी सियासी पार्टी जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाद मुजाहरे किए उन्होंने सबने अपने छत पे बैठ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बात हो। ये तो अभी तो आपने तस्करा भी छेड़ा पार्क का, लेकिन राजा साहब जो कुछ फरमा रहे हैं इस वक्त कशवाक साहब, एक ऐसी जमात जो कि 15-20 साल पार्लियामेंट सेन में हो चुके हैं इक्तदार में रह के, क्या 20 साल के इक्तदार के बाद ये सारी बातें जेब देते हैं पीपल्स पार्टी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पाकिस्तान को बने हुए ऑलमोस्ट 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 2005 से 2009-10 तक ऐसा क्या हुआ, कौन लोग थे जो कि कराची के अंदर आए और एक टीम वर्क हुआ और कराची जो है दुनिया के 12 तेज तरीन तरक्की याफ्ता शहरों की लिस्ट में आ गया। उससे पहले क्यों नहीं आया, उसके बाद क्यों नहीं आया, वो कौन सा माइंड सेट था जिसके ऊपर, ये बात तो साबित हो चुकी है कि ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया था कराची के अंदर कि कराची जैसा एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जो कि इंटरनेशनल शहरों की रेटिंग में टॉप 12 की तरक्की याफ्ता शहरों की लिस्ट में आया और कराची के जो मेयर थे उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो दुनिया के बेहतरीन दूसरे नंबर के मेयर का उनको खिताब दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि काम हो सकता है, काम किया जा सकता है और इसी चीज़ को बेस करके पाक सरजमीन पार्टी जो है उसको बनाया गया इसी सिस्टम और इसी स्टैंडर्ड के मुताबिक। ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए हम चाह रहे हैं कि ऐसा ही सिस्टम और ऐसा ही मैनकाइंड, ऐसी मैन पावर और ऐसी एनर्जी के साथ पूरे पाकिस्तान में काम किया जाए। उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमने जब पाक सरजमीन पार्टी 2016 में बनी तो उसमें दो जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सिर्फ देखें ना सिर्फ बात करने से तो चीज़ें हल नहीं होंगी, प्रैक्टिकली हमें कुछ ऐसा करना होगा कि मनोड़ा से ले कर आप कश्मीर तक सबका मसला हल हो जाए। ये सिर्फ हम अपनी बात नहीं कर रहे, सिर्फ पाक सरजमीन पार्टी का इसमें फ़ायदा नहीं होगा, हम पूरे पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहे हैं। वो कौन सी दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, देखें ना अभी सारी जो बड़ी पार्टीज़ हैं 60 साल वाली पार्टीज, 40 साल वाली, 50 साल वाली पार्टीज हैं, आपने 40 साल 50 साल 60 साल में पाकिस्तान को कहाँ ला के खड़ा कर दिया। आज हम इस बात को रोना रो रहे हैं कि हमारी बिजली नहीं है, तो वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं जिससे पूरे पाकिस्तान का मसला हल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कहा कि लोकल गवर्नमेंट, देखें दुनिया के अंदर आप दुबई में चले जाएँ, मेरे छोटे भाई मैंने उनसे पूछा, मैंने एक पर्शियन कैट रखी हुई थी, उन्होंने कहा आप दुबई में हो तो आप ऐसे बिल्ली नहीं रख सकते। मैंने कहा क्यों, कह रहे हैं म्यूनसिपैलिटी में एंट्री करानी पड़ती है, दो हफ्ते बाद वो आके चेक करते हैं म्यूनसिपैलिटी वाले, एक बिल्ली के भी हकूक है वहां, जहां पे आप लोगों ने वहां पे जाके अपनी प्रॉपर्टीज बनाई हुई है 60 साल वालों, 50 साल वालों, 40 साल वालों, वहां बिल्ली के भी हकूक है और वो चीज आप इंप्लीमेंट नहीं करते पाकिस्तान में, क्यों नहीं करते? आपने सिस्टम को ग्रैब किया हुआ है पूरे सिस्टम, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्यों ग्रैब की वजह ये है ना कि उसको वो ग्रैब खत्म हो जाएगा, आप दो अमेंडमेंट करें ना, ये ओवरलुक करते हैं जब भी हम प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करते हैं, ये करें असेंबली में है ना, कल रिक्वायरमेंट मूव करें, परसों अमेंडमेंट हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ क्या हम गलत बात कर रहे हैं, दूसरा कौन सा पॉइंट आप चाहते हैं? पहले हम ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 140 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर आप लोकल गवर्नमेंट के आप जितने भी डिपार्टमेंट हैं लिख दें उसमें, ये उसकी वजह है, उसका विजडम है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे हम ये बात करते हैं, तो पीपल्स पार्टी ने अभी 2021 में लोकल गवर्नमेंट के अंदर अमेंडमेंट कर दी, लोकल गवर्नमेंट के अंदर अमेंडमेंट करके जितने भी लोकल गवर्नमेंट के अख्तियारात थे वो उन्होंने ले लिए और उसके अंदर ये भी मेंशन किया कि मीनवाइल भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट मींस सिंध गवर्नमेंट, उसके अंदर उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि वो मीनवाइल कोई और डिपार्टमेंट भी ले सकती है, जिसको फिर चैलेंज भी किया गया हमारी तरफ से भी हाई कोर्ट में, हमने उसको चैलेंज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बजाय आप लोकल गवर्नमेंट को उनके अख्तियारात देने के, लोकल गवर्नमेंट क्या है, मेरी और आपकी गवर्नमेंट, ठीक है ना, उसमें क्या है कि हम ये कह रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के अख्तियारात आएंगे तो एक नर्सरी लगेगी,
नीचे से एक लीडरशिप, नए लीडर्स पैदा होंगे और लोगों के अख्तियारात उनके डोर स्टेप तक जाएंगे। आप एक गली के अख्तियारात वहां गली में रहने वालों को दें, ये थोड़ी है कि आप पांच लोग हैं पूरे पाकिस्तान में जो पूरे पाकिस्तान को चला रहे हैं, एक आपका प्राइम मिनिस्टर और चार आपके चीफ मिनिस्टर, आप डिवॉल्व क्यों नहीं करते? पीटीआई गवर्नमेंट जब इमरान खान साहब फेडरल गवर्नमेंट में नहीं थे, हर प्लेटफॉर्म पे वो कहते थे लोकल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट, जब उनकी गवर्नमेंट आई उन्होंने पंजाब में जो जितने लोकल गवर्नमेंट के लोग थे उन सबको सेक कर दिया। ये कौन से सिस्टम, जो कौन से सेकंड जो अमेंडमेंट थी हमने ये कहा, दूसरा मसला जब आप डिपार्टमेंट लिख देंगे यहां से लेके कश्मीर तक लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जब आ जाएंगे, दूसरा मसला आएगा पैसों का। आप आर्टिकल 160 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है, उसमें आप डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को पैसे दे, इनका काम ही खत्म हो जाएगा। ये दो काम ये नहीं करते, ये क्यों नहीं करते? इनसे पूछे भाई एक रिक्वजिशन मूव करनी है, हम तो असेंबली में नहीं है। जवाब लेता है अशोक साहब, बैठे अशोक साहब बैठे, लेकिन अशोक साहब इस बात को तो आप भी तस्लीम करेंगे कि आज सड़कों की बात करें या सर्विस की बात करते हैं, हम अमेनिटीज की बात करते हैं, यूटिलिटीज की बात करते हैं, अगर इन सबको एक साथ ठीक करना है तो क्या करना होगा? एक ऐसा कानून, एक ऐसा निजाम मुरतब देना होगा जिससे ये जो प्रोसेसेस है ना ये आसान हो जाए। आज ये दुश्वार है, आम आदमी इसको एक्सेस नहीं कर पाता, तो अगर ये तजावीज हैं तो क्यों नहीं हो पा रहा इसके ऊपर काम? राजा भाई ने एक बात बोली कि जी कि अमेंडमेंट हुआ और ये चीज़ हम कोर्ट में भी गए, पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हम फलाना इख्तियार नहीं देंगे और जब चाहे आपसे ले भी सकते हैं। आपको पता है जब पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट बिल बनाने की तरफ बैठी थी तो उन्होंने तमाम सियासी पार्टी से रब्ता किया, फिर जो सियासी पार्टी नाराज हुई उन सियासी पार्टी जो मतलब जो असम्बली के अंदर थी जो असम्बली के बाहर थी सही। उन सब के पास चल कर गई, उन सबको मनाया। देखें हमारा तो हमेशा पीपल्स पार्टी का तो प्रोसेस भी यही है, पीपल्स पार्टी ने जो भी चीज़ की तमाम सियासी पार्टी को यहाँ तक कि जो भी काम होता है मुश्तर मनारे से राय ली, लेकिन मनाने के बाद भी हम देखा कि जमात इस्लामी ने भी धरना दिया, फिर पीएसपी ने भी धरना दिया, फिर सुबह वही कोर्ट से उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। अगर ये धरने वाली जब बात की धरना दिया तो उनको किसी ने तंग तो नहीं किया ना, वहाँ पे उनके साथ मुजाकरात भी हुए और मुजाकरात कामयाब भी हुए, फिर वो जाके एक प्लेटफॉर्म पे सारे लोग कटे हुए, पीएसपी भी बैठी जमात इस्लामी बैठी मुजाकरात हुए। हम हर सियासी पार्टी से बैठ के हमने लोकल गवर्नमेंट बिल को लाए, इलेक्शन का शेड्यूल आपके सामने आ गया। रहेगी बात के जी कराची में जो है ना, कराची के हवाले से देखिए कराची के स्ट्रक्चर का अभी का दुनिया हमेशा से ये हाल रहा है, मतलब ये अगर मैं आपको भी अभी हम इतनी बात कर रहे हैं कोरंगी जो आप क्या एतराफी बयान कर रहे हैं। देखिए मैं भी देखिए कराची के स्ट्रक्चर देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं बनाने, हमारे पास क्यों रहा नहीं ना, चले हमारे पास देखिए हमारे तो साल पहले मेयर थे। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ ना, अपना नेमतुल्ला खान साहब भी बने, मुस्तफा कमाल साहब भी बने, इससे पहले फारूक सत्तार साहब भी बने, कहते हैं मरहूम सत्तार रहवानी साहब भी बने थे, फिर आपका अपना क्या कहते हैं वसीम अख्तर साहब भी बने। बात यह है कि ये जो बारिश जो हुई ये इतनी हो गई कि ये स्ट्रक्चर संभल ही नहीं सका ना, कैसे संभलेगा ये स्ट्रक्चर, संभल नहीं सका, इसको संभालना पड़ेगा। अब हमने इसका प्लान करना है कि इसको आगे लेके चले कैसे। अशोक साहब आपके तरफ हम कभी कराची में देखें, हम कराची में जिन हल्कों में हमने हमारी जो रहे, हम लियारी से हमारे लोग मुंतखब हुए, हम मलिर से मुंतखब, हम शहरी इलाकों से मुंतखब नहीं हुए। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कभी हमारे जो है ना एमपीए बना ना एमएनए, ना हमारा काउंसलर बना ना हमारा अपना नाजिम बना। ये तो पहली बार हमारा जो है सीबीसी में अपने जो ये सॉरी अपना कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शंस हुए उसमें उभर के सामने आए, लोगों को नजर आ गया कि जी पीपल्स पार्टी काम करती है, तो लोगों ने हमारी तरफ ठीक हो गया। आपका पॉइंट आ गया। मुझे नजीब साहब ज्वाइन कर चुके जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा नजीब अय्यूबी साहब। नजीब साहब अस्सलाम वालेकुम। नजीब साहब तस्करा लोकल बॉडीज का हो रहा है, तस्करा बारिशों से मौजूदा तबाहकारियों का हो रहा है, सर ये निजाम क्यों नहीं संभल पा रहा? कराची की सड़कें देखे तो यकीन माने मरीख का मंजर पेश कर रही है इस वक्त। देखिए बात यह है कि कराची को अगर आप ओन नहीं करेंगे, गुज़िश्ता 17 सालों से और 30 सालों से जो लोग भी बरतर इख्तदार रहे हैं सूबाई और शहरी सतह के ऊपर, उन्होंने कराची को ओन नहीं किया, बल्कि कराची का मैंडेट लेने के बाद कराची के वसाइल को अपनी जात के लिए और अपनी जमातों के लिए इस्तेमाल किया है। हमारे दोस्त ये बात कर रहे हैं, बसद एहतराम करूंगा कि उन्होंने कहा कि हम लियारी से मुंतखब हुए, हम मलीर से मुंतखब हुए, यानी शहरी इलाकों से नहीं हुए, देही इलाकों से हुए। तो कोई एक देही इलाके की मुझे सड़क बता दे जो महफूज हो, और सड़क के साथ साथ जो पानी वहां ठहर गया है और जो गंदगी वहां हो रही है, कचरा तो उठाने का नाम ही कोई नहीं लेता,
और निकासी है, आपका मसला है, गटर उबल रहे हैं, ये सब इनके इलाकों की सूरत हाल है। और अब शहरी इलाकों का भी यही हाल हो गया। शहरी इलाकों में जो लोग जीत के आए, 56 सीटें जिनके पास थी सूबाई और कौमी असम्बली की, वो सारी मिला के उन लोगों ने क्या कर लिया और इन लोगों ने क्या कर लिया, और वो जो माजिरों के नाम से मैंडेट लेके आए थे उन्होंने क्या कर, बर्बादी के सिवा कराची और हैदराबाद ने कुछ भी नहीं किया। 14 साल का हमने जो हिसाब लगाया है, 500 अरब रुपए बजट के मिले हैं, 500 अरब रुपए सिंध में और वफाक ने मिला के दिए। 500 अरब रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है जिससे पेरिस बन जाता है, लेकिन ये हशर इन्होंने कराची का किया। आप ही तो अल्लाह का शुक्र करें कि पूरी कराची में एक साथ बारिश नहीं हो रही है। अगर एक साथ बारिश हो पॉकेट्स में हो रही है बारिश, क्या हाल होगा? स्टेटेड बारिश हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ औकात से। अल्लाह ताला ने जो है इस पे करम किया हुआ है हमारे ऊपर कि अलग अलग इलाकों में कुछ वक्त की बारिश होती है। मैं मानता हूँ कि बारिश हो रही है, सीजन जो है वो लंबा हो गया है, लेकिन एक बहरहाल सिस्टम होता है, कुछ नजर आना चाहिए। वो जाते हैं मुक्तदा वहां किसी एक जगह खड़े होकर तस्वीरें रोजाना की बुनियाद पर डाल रहे हैं, तो भाई 1000 तस्वीर हम भी डाल सकते हैं और डल रही है सोशल मीडिया पे। आके तो देखें, वो चैंपियन बनते हैं किसी एक रोड पे साफ सुथरे इलाके में खड़े होकर पजीरों से उतर के तस्वीर बना लेते हैं। तो इस तरीके से कराची के मसले हल नहीं होंगे। बुनियादी बात यह है कि कराची को आप अपना शहर समझें। आप जब कराची को अपना शहर समझेंगे, अपना घर समझेंगे, तो आप इसकी सफाई सुथराई का बंदोबस्त भी करेंगे। लेकिन अगर कराची के साथ यही पॉलिसी आपने रवा रखी, आप देखिए अब पंचायती इलेक्शन आ रहा है, वाजे तौर पर हम ये बता दें कि इस वक्त जमात इस्लामी तो बहुत सारे इलेक्शन आ रही है और हरवाई गई है या जो भी मामला रहा है, हम ये इलेक्शन भी अगर हार गए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कराची मुतामिल नहीं हो सकता बर्बादी का। कराची इस हद तक तबाह हो गया है कि कराची शहर बर्बाद हो जाएगा मजीद अगर ये दोबारा से ये कोई ऐसा हाथ किया गया। इसलिए माजरत के साथ, हर आदमी की जबान पे इस पर ये बात है कि कराची के मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी। लेकिन नजीब साहब, ये तो आप लोग ने बड़ी पॉपुलर कैंपेन भी बना दी है। नजीब साहब माजरत करता कलामी, ये आपने वैसे तो कैंपेन भी बड़ी पॉपुलर है कि हल से जमात इस्लामी, लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी एक खबरों में बात आ रही है कि मुर्तजा वहाब साहब एक्टिव हैं और ये एक नया रेन एमरजेंसी के नाम पे एक नया फंड रिलीज किया जा रहा है जिसमें कराची की जो टूटी हुई सड़कें हैं उनकी मरम्मत की जाएगी, पैचिंग का काम किया जाएगा, 1 रुपए तक का गालबन ये बजट का फिगर भी दिया जा रहा है। आपको लगता है ये बजट कराची की सड़कों पर वाकई लगेगा, और अगर ये 1 अरब रुपया लग जाता है तो कराची की सड़कें कुछ बेहतर होती हुई नजर आएंगी आपको? अरे भाई, ये किन शराबों की बात कर रहे हैं आप? ये तो डिजास्टर दिखा के पैसे लेने वाले लोग हैं। सैलाब आने से पहले ही ये इतना शोर करते हैं और पैसे लेके फिर उसका अच्छा नशर कर देते हैं। ये अभी आपने देखा ना, वो आलमगीर महसूद ने क्या काम किया है, इतने करोड़ों रुपए की रोडे बनाई है और सिर्फ उन्होंने काले रंग बिछा दिया और दोबारा गायब हो गए ट्रैक्टर लेके। अब जब दोबारा बारिश आई है तो सारी रोडे 2 महीने के अंदर खत्म हो गई। ये आलमगीर या दूसरे लोग का मामला, सभी का ये मामला है ना। इन्होंने SDA MLA फंड से अभी 6 महीने पहले पैसे मिले, 50-50 करोड़ रुपए, तो वो किधर चले गए? मुझे ये बताइए, नालों की सफाई के नाम पे पैसे मिलते हैं हर दफा, स्पेशल बजट से इनको सेंशन हुआ। मुझे 1 मिनट अशफाक साहब से इसके ऊपर रिस्पांस लें दे, वो कुछ कहना चाह रहे, जवाब देना चाह रहे, मैं चाहूंगा जवाब दे। नजीब भाई, कराची के जो MPS फंड मिले हैं वो MQM को मिले हैं, और जो PTI के MPS जो असेंबली में बैठे हैं उनको मिले हैं, पीपल्स पार्टी को नहीं मिले कराची के फंड। और जहां तक बात है पीपल्स पार्टी तो अगर मुर्तजा वहाब साहब जो है वो रोड पे खड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, आधे पानी में खड़े हुए, तो किसके लिए करे कराची का? हम तो अलग अशोक कराची का हमेशा सोचते हुए और सोचते हुए आ रहे हैं और इनसे आगे भी सोचेंगे। और जो अगर अभी CM साहब ने 1 अरब रुपए जो अप्रूवल दी है कराची की, वो इसीलिए दी है ना कि जो पैचिंग है, जो चीजें वो सही हो जाए, कराची के जो स्ट्रक्चर जहां जहां खराब होगा उसको बनाएंगे। हमने तो खराब नहीं किया था, ये तो बारिश से ज्यादा हो गई। लेकिन जहां तक बात है पीपल्स पार्टी कल भी कराची के लिए सोचती है, आज भी सोच रही है, चला आगे भी सोचेगी।
और इसके 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 जो जो चीजें हैं सामने वो आ रही हैं। और जहां तक बात की हम तो कभी अगर हम लियारी से जो जीते हैं, हमारे लियारी से पहले हमारे पास जो डीएमसी भी था साउथ में, तो हमने तो वहां काम किया ना, आज तो वहां पे इतना कचरा तो नहीं है। ये तो उन इलाकों में जहां पे कभी हम जीते नहीं। नजीब साहब आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बात ये है कि अब मैं क्या इनको बताऊं कि लियारी में अगर आप जाके देखें खुद, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वहाँ क्या सूरत हाल सर, बाघ ले ला रहे सर, सूरत हाल है पूरी कराची नाजाबाद, क्या सूरत हाल है वहाँ। तो नजीब भाई आपके एमपी रशीद साहब है लियारी से, वो तो कोई काम नहीं कर रहे वहाँ पे, वो तो नजर भी नहीं आ रहे इलाके में। नजीब भाई रशीद एमपी है लियारी से, वो तो नजर भी नहीं आ रहे, वो तो काम ही नहीं कर रहे। अभी तो एमपी जमात इस्लामी का काम तो पीपल्स पार्टी के एमपी, पीपल्स पार्टी के वर्कर कर रहे हैं वहाँ। तो वहाँ तो ना पीपल्स पार्टी का एमपी है ना एमएन है, और डीएमसी तो अब है भी नहीं, ना कोई मेयर है ना कोई, पीपल्स पार्टी के वर्कर काम कर रहे हैं। जी तो इलाके भी साफ है, रोड भी बन गए, यहाँ तक के मसल इतना अच्छा काम पीपल्स पार्टी कर रही है ना, गवर्नमेंट कर रही है। नजीब साहब से कमेंट लें एक दौरा कराते हम देखते सर, हमने तो हमें और रशीद कहाँ पर है, रशीद तो सारा वक्त अपने इलाके में, आपने उसे गिरफ्तार कर लिया, उसके कारकुनों ने कहा गिरफ्तार किया रशीद भाई, उसके ऊपर एफआईआर ठोक दी और ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए, लेकिन अब तो रशीद भी तो माइंड आती है। नजीब भाई, नजीब भाई देखे जहाँ तक आपके जेब में नहीं डालता बल्कि अपनी तनख्वाह लगा के काम कर रहा है, ये जवाब का कैरेक्टर है। लेकिन ये बात ना करें इस तरीके से, मैं आपको और आप मुझे जवाब दे। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप भाई हैं बड़े, बड़े अच्छा बड़े, अच्छा नजीब साहब बड़े हमारे, नहीं नहीं आप बड़े हैं, मैं माजत करता हूँ, मैं माजत करता हूँ, नहीं 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 भाई जान मैं आपसे माजत करता हूँ, मेरी कोई बात बुरी लगी। नजीब साहब मुझे पी एस पी का मौका लेने थे, मुझे उसके लिए अपना विड्रॉ करवाते हैं इलेक्शन में, और इसी तरीके से यही मायदा आपका सुबाई ये बल्दियाती इलेक्शन में हुआ हुआ है ये वाली बात गलत कर दी आप, बराए मेहरबानी अपनी चीज हमारे पे ना डाले, इस कराची में आपके भी बने। ना नजीब साहब मुझे मुझे दो मिनट देते, मैं राजा साहब से इसके ऊपर कमेंट कर लूं। ये राजा साहब ये भी जरा समझाए ना, ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात की बात करें, जमीनी इंतखाबात की बात करें, आप पी एस पी ना किसी से इत्तेहाद नहीं किया, ना जमात इस्लामी के साथ आपका कोई इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौम मूवमेंट ने एक बार फिर से इत्तेहाद किया, आप लोग इस इत्तेहाद में क्यों शामिल नहीं हुए? देखें जी बात ये है कि निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। पार्टीज जो हैं वो अपने एक विजडम पे, जब मैंने बात स्टार्ट की तो मैंने कहा जी पाक सरजमीन पार्टी का फाउंडेशन डेट वॉज लेड डाउन ऑन द प्रिंसिपल कि जिस फार्मूले के मुताबिक कराची दुनिया के 12 तेज तरक्की याफ्ता शहरों की लिस्ट में गया, उससे नीचे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी, हमें और 10 साल लग जाए हम उस बंदे को सपोर्ट करेंगे, ये जो दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके पूरे पाकिस्तान को आजाद करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। ये सारे बैठे हैं ना नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, एमक्यूएम वाले, ये पीडीएम वाले, पीटीआई समेत, आप बताएं ना ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं इसमें आपको क्या तकलीफ है? आप लोगों को आजाद क्यों नहीं करना चाह रहे? लोकल गवर्नमेंट की एम्पावरमेंट, दूसरा आपने कहा कि ये जो पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पार्टनरशिप जो है ये आज की थोड़ी है। इसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि ये 2013 में लोकल गवर्नमेंट को इन्होंने हर दफा डैमेज किया। अभी जो ये इलेक्शन हो रहे हैं कहाँ की डायरेक्शन से हो रहे हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से, जो इलेक्शन नहीं हो रहे जी। इस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उस वक्त आया जब हम धरने में बैठे हुए थे, आप हमारे धरने से भी इस बात पे एग्री नहीं थे, जमात इस्लामी ने भी धरना दिया, हम इनके धरने में भी शरीक हुए, हमने भी दिया, और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि जी ये लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराएं, तब ये अभी आपके इलेक्शन हो रहे हैं। अभी जितने लोग भी सुन रहे हैं कराची वाले, आप ये देखें। और दूसरा ये जो इन्होंने 2021 में अमेंडमेंट जो की, इख्तियारात छीने आपके, आपके जो जो बच्चे कुछ इख्तियार, ये बच्चे कुछ इख्तियारात थे 2021 वाले, असल इख्तियारात आपके कब छीनेंगे? 2013 में किसने छीने? एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी। 2013 के अंदर जो अमेंडमेंट हुई थी, आज आपके मुर्तजा वहाब साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं सेक्शन 21 लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत, ये जो अभी जाके वो पानी में खड़े हैं हर जगह, ये सेक्शन 21 के तहत आपने इनको एडमिनिस्ट्रेटर की पावर्स दी हैं। आपका चीफ मिनिस्टर रिटायर्ड होगा, आप वहां भी अमेंडमेंट करें और कराची का जो चीफ मिनिस्टर की बाद एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें, पूरा सूबा भी वैसे ही चलाएं।
प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर खत्म होगा, आप वहां भी अमेंडमेंट करें और पूरे पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटर, आप डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी आपके अपनी हद तक, आपकी अपने बच्चों तक डेमोक्रेसी है, जहां दूसरों के बच्चों की बात आएगी वहां पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर याद आ जाता है। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के खिलाफ हैं, लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर दिस वे डैट वे आप वहां अख्तियारात छीनते हैं, आप अपना बंदा वहां पे फिट किया आपने वो जो, और MQM आप देखें ये जो 245 का इलेक्शन है पीपल्स पार्टी ने विड्रॉ कर दिया इनके हक में, आप अपनी पावर शेयरिंग कर रहे हैं और लोगों को नहीं आने दे रहे, काम क्यों नहीं करते आप, काम करें ना, ठीक हो गया, मैं चाहूंगा आप सिर्फ काम करें, हम आपके ऊपर कोई क्रिटिसाइज नहीं, मैं एक चीज इसमें ऐड ऑन चाहूंगा फिर मैं अशफाक साहब की तरफ आऊंगा। नजीब साहब एक सवाल मेरा ये है कि इस वक्त हर कोई कहता है कि सिंध के किसी भी शहर की बात कर ली जाए तो वहां पे जो सूरत हाल है ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, ये मुझे जरा समझाएं कि पंजाब या KPK में जो सड़कें बनती हैं क्या किसी अलग मटेरियल से बनती हैं कि बारिश का पानी उस हद तक मुतासर नहीं करता? और दूसरा ये जो चाइना कटिंग का एक मामला हमने देखा कि मुस्तफा कमाल साहब जब मेयर थे तब वैसे तो बड़े काम हुए लेकिन चाइना कटिंग भी उस जमाने बड़ी सारी देखी गई, इसके बाद इंक्रोचमेंट और दीगर मामला भी काफी सारे देखने में, ये भी कराची के इस वजह का बहुत बड़ा वाइज बनते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दरअसल बात यह है जहां तक सड़कों की बात है दूसरे से इस्लामाबाद कराची इस वक्त अपना 142% कराची ने टैक्स दिया है जी। और मैं तो ये बरमला कहता हूँ ये बात कि कराची के टैक्स से ही लाहौर की मेट्रो चल रही है, इस्लामाबाद दिल्ली पिशावर ये सब मुल्तान ये मेट्रो हमारे पैसों से चल रही है लेकिन कराची के अंदर सिंधी चल रही है, तो अब आप बताइए दिल कितना खराब होता है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये कराची को ओन नहीं करते हैं, इन्होंने कोटा सिस्टम पीपल्स पार्टी PTI नवाज शरीफ इन सब ने मिलकर कोटा सिस्टम को फॉरएवर कर दिया, इन सब ने मिलकर इन तमाम जमातों ने मिलकर जनाब अली हमारी मर्दम शुमारी को आधा रखा हुआ है, 1.5 करोड़ से आगे बढ़ के ही नहीं देती है, तो ये चीज बच्चों के लिए कोटे की जो बीमारी लगा दी कि पूरे पाकिस्तान में सब अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, कराची का बच्चा जॉब का अहम नहीं हो सकता, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? इसमें मुत्तहिदा भी शामिल है, नवाज शरीफ भी शामिल है, पीपल्स पार्टी तो इनकी सरखेल है और बाकी सारी जमातें इसके अंदर हिस्सेदार है। हम समझ रहे थे कि PTI कोई ढंग का काम करने की 56 सीटें यहाँ से ले गई है, उसने भी यही अमल इख्तियार किया, तो इसलिए लोग कहते हैं कि हर सर जमात इस्लामी है। मैंने आपको बताया ना कि जो सड़कें नेमतुल्ला के दौर में बनी थी वो आज तक क्यों चल रही है, जो अफगानी के दौर का डैम था या तामीरात थी या ब्रिजेस बने थे वो अब तक क्यों चल रहे हैं और बाकी ये सब लटक क्यों गए हैं? दो तो साल इनकी उम्र नहीं है कि सारे ब्रिज अंदर से खोखले हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि ये पैसे तो लगाते नहीं है और जब पैसे नहीं लगते तो फिर अपनी पार्टियों को भरते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, ठीक हो गया, खिलाते हैं पीछे खिलाते हैं, इसलिए मसला ये है कराची शहर के साथ जो पूरे मुल्क को चला रहा है, आपको संजीदा होना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि आप कराची के हैं, आपकी वाबस्तगी किसी भी सियासी जमात से है, तो भाई इस वक्त कराची को मिलकर बचाओ, इस वक्त अपनी छन्नी वाली बाल्टी लेके पानी ना निकालो, इस वक्त बाल्टी सही वाली लो, और इसमें आसिफ महमूद रहमान के अलावा मैं ये कहता हूँ कि कोई हल कर ही नहीं सकता, आप उल्टे लटक जाइए, सारी की सारी जमातें उनकी लटक से एक्सपोज हो चुकी है। लगभग यही जमातें गई थी ना बल्दियात के इलेक्शन को मुस्तवी कराने के लिए, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने डांट के निकाल दिया फरोख नसीम को, क्या अगर तैयारी के आ गए हैं? ठीक हो गया नजीब साहब, आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुख्तसर सा ब्रेक लेना है। उधर चले गए और जमातस्तानी के वकील ने जब ऑब्जेक्शन दिया और बात की तो जमातस्तानी मुकदमा जीत गए, इसी के जमातस्तानी आपको नजीब साहब मुझे ब्रेक लेना है, कथा करा हुई माजर ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे मुख्तसर सा ब्रेक लेना है, आपकी तरफ आता हूँ, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बता जरूर। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।
प्रोग्राम एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त यकीन तौर पे एक बड़ी डिबेट चल रही है कि कराची का मुस्तकबिल कौन संवार सकता है और कौन नहीं संवार सकता। कोई कराची के हल का जामिन बनता है तो कोई कराची के हल के दावेदार है, लेकिन पीपल्स पार्टी अशोक साहब काफी सारे संगीन इल्जाम भी हैं, सवाल भी हैं, आप जवाब ही दे दें मेरे ख्याल से बेहतर होगा। देखिए मुनीर भाई, जहाँ तक इल्जाम की तो ऐसी बात इसलिए नहीं है कि हम तो अल्लाह का शुक्र है कराची में काम कर रहे हैं और कराची के हर सतह पर हर उन इलाकों में भी काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारी पोजीशन नहीं है। लेकिन जहाँ तक एज सिंध गवर्नमेंट आप ये नहीं कह सकते कि कराची में हमारी पोजीशन नहीं है। जब तक लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं, सारी बातें जो भी चीजें हैं तो वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, ये ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल अपना, देखिए हम तो खड़े हुए ना, हम तो उन इलाकों में भी काम कर रहे हैं जहाँ पे पीटीआई के और क्या कहते हैं जमात के एमपीएस काम नहीं कर रहे हैं, जीतने के बाद हम काम कर रहे हैं। लेकिन देखिये बात ये होती है, ये कराची जो है ना वो हम सबका कराची है, किसी एक का कराची नहीं है। रह गई बात कराची जो है ना वो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए जीतेगी कि अगर आप कैंटमेंट बोर्ड के इलेक्शंस उठा के देख लें कि वहाँ पे मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे दो जो है ना आपका मलीर का कैंटमेंट, फिर मनोड़ा और सीबीसी क्लिप्टन, वो हमारे पास है। हमने कराची विन किया है और इंशाल्लाह ये लोकल गवर्नमेंट है, इंशाल्लाह कराची का मेयर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और कराची वालों को पता है कि जी हमारे काम पीपल्स पार्टी वाले करेंगे। जब वो अपने घरों में इन बारिशों में उनको पता था सो रहे थे या जो भी मस्त सारे रोड पीपल्स पार्टी आधी रातों में भी रोड पर खड़े रहे, पानी निकाला, सीबीसी कारकर्दगी जमात इस्लामी की कदर बेहतर रही नहीं नहीं रही ना। मैं जैसे मैं ना बताऊं, मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था, अब आपने अगर ये बात कर ली है, मैं ये बात ये है कि जमात इस्लामी के ये अपना काउंसलर है मेरे, वहाँ से मैं सेकंड पे रहा, वो फर्स्ट पे रहे, अपनी जगह पर है। लेकिन आप यकीन करेंगे इतना पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरी हुई है। देखिए मैं आपको बताऊँ बात, ये अगर वो काम कर रहे होते ना तो आज ये क्लिफ्टन के या सीबीसी के ये इलाके ना इतने खराब ना होते। तो ये अगर इनकी कारदगी देखनी है जमात की तो आप यहाँ चले जाए, या तो फिर इनकी कारदगी की अगर आप मेरे साथ आए, मैं आपको प्रोग्राम करते हैं, मैं आपको इनके काउंसलर जो है उन पूरे इलाके, लेकिन वो हुकूमत में नहीं, इनकी कारकर्दगी की सीबीसी में ये कानून नहीं है सर, वह काउंसलर पावरफुल है। ये कहते हैं ना हर जगह पे, चाहे डीएमसीज हो के या केएमसीज हो, यहाँ काउंसलर्स, नाजिम, नायब नाजिम, ये सब पावरफुल होते हैं, एमपीएस पावरफुल होते हैं। अभी 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 अपने नजीब भाई ने कहा ना कि एमपीएस को फंड मिला, इन्होंने कहा ना कराची में एमपीएस को फंड मिला, पीटीआई को मिला, जमात के फंड मिला, बिल्कुल मिला, सबको मिला सर, कमेटी के मेंबर से। फिर उसके बाद देखिए नजीब भाई रह गए करप्शन, हम पे ये झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, एक हजार आपकी तरफ ये हम पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। 2015 में बलदियाती इलेक्शन हुए तो ये तो जमात इस्लामी और पीटीआई ने मिलकर लड़ा था कराची में बलदियाती इलेक्शन, उस वक्त इनको पैदा। नजीब साहब आपके साथ आ रहा हूँ, एक मिनट में आ रहा हूँ, आपके 30 सेकंड में आपके साथ आ रहा हूँ। अशोक साहब जी देखिये, जब 2015 में बलदियाती इलेक्शन हुए तो जमात और पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा मिलकर, ठीक है, उस वक्त इनको ये चीजें नजर नहीं आई थी जब वो पीटीआई के साथ इलाक करके इलेक्शन लड़ा। आज देखे आप बात ये है कि हम तो अपनी तरफ काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारे एमपीएस, हमारे एमएनएस, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब, हमारे अपना बलदियाती मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट नासिर हुसैन शाह साहब, हमारे पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब, सब ऑन रोड है, हम तो अपना काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह कराची का मेयर पाकिस्तान आपका पॉइंट आ गया। नजीब साहब मैं चाह रहा हूँ फाइनल कमेंट आप दे दें, मुझे अंदाजा है आपको आपको मसरूफियात भी हैं। जी बहुत शुक्रिया मोदी साहब, फाइनल कमेंट ये है कि इस वक्त जैसे मैंने किया कि कराची अपनी वर्स्ट कंडीशन में है और जाहिर है जिन जमातों को पहले बार बार आजमाया जा चुका और खुशी तौर से कराची दुश्मनी की तो हर पीपल्स पार्टी ने कर दी है कि 500 अरब रुपए के बजट हजम कर लिए और दरकार तक नहीं लिए, उसका अंदाजा ये हम भुगत रहे हैं कि इस वक्त खैर अपनी इंतहाई आखिरी आदत के ऊपर पहुंच चुका है। लिहाजा सियासी वापस तो क्यों वो बाला टाक रख के आप हम सबको मिलकर शहर को बचा। मेरा एग्जैक्टली यही पॉइंट है नजीब साहब, को मुंतखब करवाना है जमा नईमुल रहमान, इस वक्त पूरी कराची के दर्द का दरमा बन चुके हैं। लेकिन नजीब साहब ये लोग कहते हैं कि हम सिर्फ जमात इस्लामी, तो मैं भी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से सामईन को ये भी दरखास्त करूंगा कि हम सिर्फ जमात। नजीब साहब फाइनल सवाल का जवाब दे दें, नजीब साहब आवाज आ रही है, बर्बाद हो जाए और इन लोगों ने डकारे भी डी लेनी है, ये तो सियासी जमात ने 40 साल से हमें लूट के किसान को पहुंचा दिया है। नजीब साहब आपको मेरी आवाज आ रही है, और सामईन का शुक्रिया अदा करूंगा और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे कीमती टाइम दिया गुफ्तगू करने का। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम नजीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राज साहब आप फाइनल कमेंट। सिंपल सा कंपैरिजन है, 342 अरब रुपया जब लगा था कराची में तो कराची टॉप 12 की रैंकिंग में आया और गुज़श्ता 10 से 12 साल में
10,242 अरब रुपया पीपल्स पार्टी एनएफसी अवार्ड से लेके खर्च कर चुकी है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी चीज़ देखें, और उसके अलावा आप ये देखें कि जितना भी ये जितनी भी गुफ्तगू हुई है, ये मेरे ख्याल में ये मैंडेट है ही नहीं है कि आप देखें कि MNAs MPAs ने लेजिस्लेशन करनी है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है। और लोकल गवर्नमेंट को उनके अख्तियार ना देने की वजह से हम आज हम वैसे ये बात इसका खाली नहीं कि MNAs MPAs के फंड्स ही ना हो। नहीं, फंड्स किस कानून के तहत है? जब आपका पूरा सिस्टम लेट डाउन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, MNAs MPAs ने गली बनानी है अपने अपने इलाकों में काम, उनका काम ही नहीं है ये करना। आप नीचे जो ट्रिकल डाउन करें, उनके पैसे भी उनको दें, उनके अख्तियारात भी दें, जो बाद मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? अगर एक MNA के पास भी बजट है, MP के पास भी बजट है, तो फिर कोई काउंसलर के पास क्यों बजट भेजेगा? तो अगर MNAs और MPAs का बजट ही ना हो, तरक्याती बजट तो होना ही नहीं चाहिए, मैंडेट ही नहीं है ना। आप देखें ना, ये हर चीज अपनी मर्जी की कर रहे हैं। आप उनसे पूछें ये किस कानून के तहत है, आपका जो बजट है ये किस कानून के तहत है। मैं तो जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं तो एक कानूनी बात कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप ये डायरेक्ट, जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होता है, आके सारे डिपार्टमेंट भी हैं, पैसे भी हैं, काम शुरू कर देता है। लोकल गवर्नमेंट के भी आप ऐसे कर दें, उनके पैसे और उनके अख्तियारात उनको दे दें, ताकि वो आते ही डायरेक्ट काम शुरू कर दें। वो अगर आ भी जाता है कोई लोकल गवर्नमेंट वाला, ये कहते हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ये पैसे नहीं देते उनको, वो काम कैसे करें, इख्तियारात छीन लेते हैं, अमेंडमेंट कर देते हैं एक्ट के अंदर। दो दफ़ा ये छुरा घूम चुके हैं लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर, और वही लोकल गवर्नमेंट एक्ट को क्यों छेड़ते हैं आप, उनके अख्तियारात क्यों लेते हैं आप? आपके जो अपने अख्तियारात हैं, आप अपना, मुझे एक यूनिवर्सिटी बताएं पाकिस्तान की जो दुनिया की टॉप 10 रैंकिंग में हो, पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं? एक आप कोई एक हॉस्पिटल बताएं जो दुनिया के 100 हॉस्पिटल्स के अंदर भी आ रहा हूँ, क्या बना दिया? आप ट्रीटमेंट कराने बाहर चले जाते हैं, आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, यहाँ हजारों घोस्ट स्कूल हैं। ये भाई ये वाला ड्रामा जो है मेरे ख्याल में अभी ख़त्म हो जाना चाहिए, बहुत हो गया। लोगों को ट्रक की बत्ती के उनके अख्तियारात आपने कैप्चर किया हुआ है, सिस्टम सोसाइटी को कैप्चर, पूरे पाकिस्तान में ऐसे आप देखें, यहाँ गली से कैप्चरिंग है, वहाँ लोकल गांव और देहातों के अंदर कैप्चरिंग है। आप जब उनके अख्तियारात नहीं देते, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों के अख्तियारात अपने पास रखे उनके। आप देखें अंदरूनी सिंध में कोई इनके आगे उठता है, उसकी ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, FIR कटवा देते हैं, वो बेचारा कोई उठ ही नहीं सकता। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को आजाद करने के बाद कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर ये लोकल बॉडी सिस्टम भी आ जाए तो कारामद नहीं होगा। तो नहीं है ना, अभी आप देखें ये अभी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ही नहीं करवा रहे थे ये। अब आपने नजीब साहब को सुना, वो काफी ज्यादा लग रहा है पूरी उम्मीद है कि चाहे निजाम जैसा भी ये अमेंडमेंट है या नहीं है, हम तकदीर बदल देंगे। नहीं, तकदीर कैसे इस सिस्टम में, जब ये सिस्टम जकड़ा हुआ है आपको, मैं आपके पास यहाँ बैठ के कोई पावर ही नहीं, अख्तियारात ही नहीं। अच्छा, अगर मैं इसका बड़ा क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल करता हूँ, जस्ट सपोज आज जमात इस्लामी इस इलेक्शन को जीत जाए, जस्ट सपोजिंगली, और हाफिज नईम साहब इस वक्त मेयर कराची मुंतखब भी हो जाते हैं, क्या ये होगा कि हाफिज नईम साहब कराची की तकदीर बदल रहे होंगे, या 3 महीने बाद इस बात का रोना रो रहे होंगे कि इनके पास ये आइडेंटिकल, जैसे वसीम अख्तर साहब कह रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अख्तियारात नहीं है, और वसीम अख्तर साहब वाले MQM वालों ने खुद प्लेट में रख के 2013 की अमेंडमेंट करके इनको अख्तियारात दिए। गवर्नर सिंह साहब ने खुद उस अमेंडमेंट के ऊपर साइन किया, इशरत इलाहाबाद साहब ने, MQM ने उनको प्लेट में रख के दिया, और वो जो दिया वो आज तक बाद में कहते रहे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं, क्यों दिए हैं आप? कोटा सिस्टम के लिए MQM बनी थी ना, कोटा सिस्टम खत्म करने के लिए, अभी तक 40 साल गुजर गए, एक स्ट्राइक कभी नहीं की इन्होंने कि कोटा सिस्टम जो है हमारे राइट्स, जो माजरों के या कराची के लोगों के राइट्स हैं। अभी देखे ना, कराची में सारे रंग नस्ल जबान के लोग रह रहे हैं, यहाँ पठान है, पंजाबी है, सिंधी है, बलोच है, इसलिए पाक सरजमीन पार्टी सारे विंग्स के साथ लेके चल रही है, और इस हमारी स्ट्रक्चरिंग इसीलिए सिर्फ कराची नहीं, ये जो अमेंडमेंट की हम बात मनोड़ा से कश्मीर तक कर रहे हैं, ठीक हो, पूरे पाकिस्तान में। पॉइंट आगे मैं चाह रहा हूं अशफाक साहब, इसके ऊपर कमेंट करते हैं, क्योंकि ये एक खाका खींच रहे हैं, कह रहा है अगर आपका मेयर ही हो आज, आप मेयर कराची हो तो शायद वो भी इतने ज्यादा एम्पावर्ड नहीं होंगे। हमने मेरे ख्याल से मुनीर पहले इस पे बात कर ली, बिल्कुल की है, लेकिन मैं चाह रहा जवाब हो जाए, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं उनको इसका पूरा बात है। जब जमात ने मुजहरा किया या PSB ने किया, धरना दिया, तो वहाँ पे जाके इनसे हमारे डायलॉग्स हुए, उस डायलॉग्स में हमारे तमाम चीज़ों के ऊपर सोल्यूशन निकले, हल हुए, और तमाम जो अमेंडमेंट थी वो डाल दी गई। रह गई बात, ये कहते हैं कि जी आइन का अगर इसको किसी तरह जो है ना, मतलब मजबूत नहीं हो पाएंगे, तो PSB भी इलेक्शन लड़ रही है ना। अब भाई आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जमात भी लड़ रही है, पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन लड़ रही है, और ही पार्टियाँ इलेक्शन लड़ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला पता है क्या है, हम जब ये बात करते हैं, इस वक्त इस
जो ये जो जमात इस्लामी और ये जो है ना ये बुकलाए हुए, इसलिए नहीं बुकलाए हुए क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने ये टिकना ही नहीं है इन्होंने। आप एक चीज़ नोट करें कि जमात इस्लामी को आप उठा लें, इनकी तारीख भी, ये सारे इलेक्शन तो 3 बजे गायब हो गए या इन्होंने बायकॉट कर दिया है। इन्होंने कोई ना कोई इनके पास रीज़न होता था, चाहे वो अपना बलदियाती इलेक्शन हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट, चाहे वो आपका प्रोविजनल कौमी असम्बली के इलेक्शन हो, ये बायकॉट कर लो। कराची के आवाम को पता है कि हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते ना, ये कर पाएंगे। और कराची की जो सबसे बड़ा जो मामला है अपना ये अपना स्ट्रक्चर्स का या पानी का या सेवरेज का या स्ट्रीट लाइट्स का या कारपेटिंग का, ये सब पीपल्स पार्टी ही करेगी। देखिए पीपल्स पार्टी अभी भी एक मतलब काम कर रही है ना, हमने जो अपना अच्छा, शुक्र पीपल्स पार्टी करेगी। मैं एक सवाल छोड़ जा रहा हूं, आप जरूर जवाब दीजिएगा। आपने कहा पीपल्स पार्टी करें, चल मैं कहता हूं पीपल्स पार्टी अगर इंतखाबात जीत जाती है, कराची में एक सबसे बड़ा मसला जो आज पानी खड़ा हुआ है, जो आज निकासी का मामला खराब नजर आता है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जा बजा तामीरात का होना, चाइना कटिंग होना, कब्जा माफिया होना, इंक्रोचमेंट होना, एसबीसीए का इदारा, मैं इसी के ऊपर आता हूँ। और ग्राउंड के हालात देखें आप, मैदानों के पार्क के हालात देखें, आपको सब समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर मैं चाहूंगा सर जरा जवाब दीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बता जरूर। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था अपने पैनल के दरमियान के जो कराची की जो सबसे बड़ी इस वक्त जो मौजूदा मसाइल की वजह बनती है कि कराची में जो जो 2015 से पहले कब चाइना कटिंग का मामला था और गालिबन ये 2005 में अपने उरूज पे नजर आया कि चाइना कटिंग, कब्जा माफिया, इंक्रोचमेंट, ये नई इस्तलाह देखी गई कराची की सियासत में। और अब ये हाल है कि कराची में इस वजह से ना सेवरेज का निज़ाम बेहतर है, गंदगी के ढेर है, यूटिलिटीज जो है वो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकी। आज भी कराची में बड़े पैमाने पे इस तरह की तामीरात हो रही हैं जो कि नाजायज हैं, इल्लीगल हैं और यकीन तौर पर आने वाले दिनों में मुश्किलात का ही बाइस बन सकती हैं। राज साहब आप जरा इसके ऊपर कमेंट कर दें, आप बीइंग अ लॉयर, एसबीसीए का निज़ाम को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सिविक सेंटर में क्या हो रहा है सब सूरत हाल वाजे है। जी बिल्डिंग कंट्रोल, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है, इन्होंने जितने भी आप देखें कि मैक्सिमम कराची के अंदर जो अप्रूवल्स दिए हैं, किसी कभी अगर आप किसी भी फाइल को, किसी भी बिल्डिंग को, जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं उठा के देखें कि क्या पोजीशन है, ये जो अभी सरजानी के अंदर आप देखें बिल्डिंग गिर गई, इससे पहले रिजिया सोसाइटी के अंदर, और उसके अलावा भी बहुत सारी इस बारिश की वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो मखदूश करा कमजोर हो गए। जी जी, इसके अलावा आप इतनी करप्शन है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर, किसी का भी साइट प्लान जो है उसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन नहीं है। आप किसी चीज़ को भी आए दिन वहाँ पे लोग चैलेंज करके आते हैं कि भाई ये जो है वो एज़ पर साइट प्लान इसका अप्रूवल नहीं है, या बिल्डिंग प्लान जो है उसका अप्रूवल नहीं है, तो उसका कोई भी प्रॉपर जो सिस्टम स्ट्रक्चर है, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे ये जो नासला टावर की बिल्डिंग थी इसको गिराया गया, ये एक सैंपल है। इस तरह की पता नहीं कितनी बिल्डिंग्स हैं जिनको जो है ना बगैर किसी उसके को किधर बनी हुई है। मैं तादाद की बात करूं तो मोर देन 250 बिल्डिंग सिर्फ मजार कायद की तरफ, बिल्कुल इसी तरह है। और ये अप्रूवल किसने दिए, कौन सा ये माफिया है, कौन इन लोगों के पीछे है, और ये एक बाकायदा तौर पर एक इंस्टीट्यूशन, एक इदारा जो है उसके अंदर बाकायदा लोग, अथोराइज जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, वो किसकी डायरेक्शन पे ये काम कर रहे हैं। आज ये जो कराची के अंदर पानी, जो ड्रेनेज और ये जो जितना भी सेवरेज के मसले मसाइल, बारिश का पानी खड़ा होना, और ये पिछले दिनों एक बच्चे की भी डेथ हो गई थी, वो एक फैमिली जो है वो नाले के अंदर, तो ये सारे वो मसले मसाइल हैं जिसके कंसिक्वेंसेस एक जनरल पब्लिक के लोग जो है ना भुगत रहे हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो या तो विदाउट अप्रूवल बनी हुई है बिल्डिंग्स, या वो जो नाकस उन्होंने सही अप्रूवल नहीं दिए हुए, 2 फ्लोर का अप्रूवल है तो 10 फ्लोर बने हुए हैं, और कमर्शियल एक्टिविटीज ये जिस तेजी से फैल रही हैं, ये तो मजीद बिगाड़ का मतलब है। अशफाक साहब मेरे ख्याल से इस बात से तो आप भी इनकारी नहीं है कि अगर एक शहर का नक्शा देखें तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है कमर्शियल, रेसिडेंशियल, स्कूल, कॉलेज, मसाजिद, पार्क, कराची ये नक्शे से कहीं कराची में नक्शा ही नजर नहीं आता। देखिए जहाँ तक अभी राजा भाई ने बात की ना, आपका राजा साहब ने आपका कराची के केबीसी के ऊपर, मतलब एसबीसी केबीसी होता था, आप पुराना वाला याद आ रहा है, कराची बिल्कुल यही याद आ रहा था।
तो उसके हवाले से देखें, बात यह है कायदे आजम की मजार की हदूद में जितनी भी ऐसी बिल्डिंग्स जिसको मैं तो उसका सैंपल दिया नहीं, मैं वो बता, जिन्होंने कोशिश की उसको ज्यादा हाई राइज बनाने की भी कोशिश की वो तोड़ दी गई। और उसके लिए मैंने ये वाली बात मुझे किसी से पूछने की जरूरत, मैं बताता हूँ, देखिए मैं इसके लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी ना मेरा ये कोई सवाल था, ये तो भाई ने बात की, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ कि इसके अंदर जो डिप्टी डायरेक्टर जो डायरेक्टर्स थे उनको बाकायदा मुअत्तल भी किया गया, वो अपनी सीटों से गए और उनसे इन रिटर्न मांगा गया और ये केस भी कोर्ट में चल रहा था और ये तकरीबन वो सारी बिल्डिंग्स को जो है उनको कहा कि जी कायदे आजम की मजार की हुदूद में जितनी बिल्डिंग कराची में, उसके बाद नहीं जो देखिए मुनीर भाई पहले तो एक बात बताएं मुझे आप, जो भी जगह पे हाई राइज बन रही है वो कौन सी जगह है, मतलब कोई नई जगह तो नहीं है ना, ये वही पुरानी बिल्डिंग्स जो थी पहले आप अभी ये बात कर रहे हैं हमारे क्लिफ्टन के इलाके में, आप दिल्ली कॉलोनी का जो रोड है आप वहाँ पे जो बिल्डिंग जो हमने सामने नजर आती है आपको कौन सी जगह थी, क्या वो अभी बनी है? वो बैंगलोर थे, उन लोगों ने बैंगलोर बेचे और फिर वहाँ पे हाई राइज बने, लेकिन सीबीसी का तो होता है ना, लेकिन मैंने सीबीसी में अक्रॉस कराची की बात, देखिए निजाम खराब कहाँ होता है, चीजें खराब जो शुरू होती है ना वो ऐसे नहीं होती है, अब एक बंगला बना हुआ है, इस बंगले में 8 लोग रह रहे हैं, अब वहाँ पे वो बंगला खत्म होता है वहाँ बिल्डिंग बन जाती है जी। और उस बिल्डिंग में 100 लोग रह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, जब वो 100 लोग जब उस सैवरेज को इस्तेमाल करेंगे तो क्या 7 वाले को कौन देगा? तो सर यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये सारी चीजों मस्ती है अभी से नहीं है सर, ये 2001 से बेहतर तो करना है ना, 2002 में नेमतुल्ला खान साहब मेयर बने, ये उस वक्त की तमाम तरफ उसके बाद 2005 में कराची के मेयर मुर्शिदा कमाल साहब मेयर बने, भाई ने कहा कि जी वो कहना पूरी दुनिया के 2 नंबर मेयर बने, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी अगर वो 2 नंबर मेयर अगर बने, 2 नंबर मेयर नहीं, मेरे सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस, आप मतलब सेकंड पे, वो सेकंड पे आए, तो उसकी भी एक वजह ये थी कि वो करा, यार आप बात कर रहे हैं, आप बात बताएं कि 2002 के बाद कराची का हाल क्या हुआ, कराची में हालात क्या थे, जब मुस्तफा कमाल साहब सही मुख किसी से बात नहीं करते, उनकी वीडियो लीक हुई है कि एक हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ तक अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में एक लेडीज उनसे बात करना चाह रही थी, तो उसने वो अलग डिबेट है, ये वो अलग डिबेट है, एज अ मेयर उनका 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 रिस्पॉन्स बनता है ना, अभी भी वो किसी जगह पे आते हैं तो बदतमीजी से बात करते हैं, भाई कहते हैं सिंध में जो है जमीनों पर कब्जे हो, कौन जमीन पर कब्जे हो गए भाई, किसकी जमीन पे क्यों कब्जा कोई करेगा यार, आपकी चीज है आपके पास रहेगी क्यों कब्जा करेगा, फिर आप कहते पीपल्स पार्टी क्यों करेगी यार, पीपल्स पार्टी का ये काम किसने की, चना कटिंग किसके दौर में हुई है, मुस्तफा कमाल कहां थे पहले, कौन सी पार्टी में थे, जी मेयर कह रहे हैं कि इन्होंने इतना काम मुस्तफा कमाल ने किया, मुस्तफा कमाल कौन सी पार्टी में थे ये तो नहीं बताए, मुस्तफा कमाल कौन सी पार्टी में जब मेयर बने थे, जवाब ले लो, परवेज मुशर्रफ साहब ने, परवेज मुशर्रफ साहब ने जो पैसे उनको दिए, एक परवेज मुशर्रफ साहब ने एक टेलीफोन ऑपरेटर को इतने पैसे मिले, जिस जो कराची का जो मेयर बना वो कौन सी पार्टी में था ये तो बता दे हमारे को, ये कौन किस पार्टी में था, इस चीज को छोड़े आप ये बताएंगे, राजा भाई 2013 के राजा भाई मेरी बदतमीजी, ये 2021 की लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट की लोगों के इख्तियारात छीने, ये बदतमीजी, पूरे शहर के कराची के लोगों के साथ बदतमीजी है, ये बदतमीजी है, प्रैक्टिकली 10,242 अरब की तरह हिसाब दो, 342 अरब रुपए में अगर कराची दुनिया का टॉप लेवल का शहर बन सकता है, 10,242 अरब जो आप खा गए, ये बदतमीजी, जैसे भी किसी को बुलाते ये बदतमीजी, राजा साहब, राजा साहब आपका और इशफाक मोहम्मद साहब आपका, नजीब अयूबी साहब हमारे साथ मौजूद, यकीन तौर पर उनको कुछ मामला मशूफिया तो उनको जाना पड़ा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो कुछ हो, एक सवाल मैं जरूर छोड़े जाता हूं और ये चाहूंगा कि तमाम तर लोग, तमाम तर नाज़रीन, तमाम तर सियासी जमातें जरूर इस बारे में सोचें कि जब रेन इमरजेंसीज होती हैं, जब किसी भी तौर पर हंगामी सूरत हाल होती है, तो कोई ऐसा प्लान ऑफ एक्शन क्यों मुरतब नहीं किया जाता जिसमें तमाम तर पार्टीज के सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ वो फंड आए और उसकी तकसीम हो, मुनसिफाना तौर पर तकसीम हो, ताकि ये जो एरियाज हैं बेहतर तौर पर ना सिर्फ आइडेंटिफाई हो सके, एक ऐसी कमेटी तश्कील दे दी जाए जिसमें तमाम तर जमातों के सरबराह हों या उनके नुमाइंदे हों, और फिर एक ऐसा सिस्टम हो जो कि इन तमाम तर एरियाज को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर बेहतर तौर पर काम कर सके। उम्मीद करते हैं जो कुछ हो पाकिस्तान के तमाम तर शहरों के लिए, बिल्कुल कराची के लिए बेहतर साबित हो। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, अपने मेजबान मुनीर में इजाजत दीजिए, आपका ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।